मॉर्निंग, आज चाय पे चर्चा हो रही है हमारी, पता है किसके साथ? नेहा मलिक मैम, हमारी आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के साथ चाय पे चर्चा हो रही है। तो आज आइए इनकी कहानी के बारे में जानते हैं, कैसी ये हर महीने 1 लाख से 2 लाख कमा पा रही है। आइए इनसे बात करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। सो नेहा मलिक मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम यहाँ पे आने के लिए मैम, थैंक। और अब मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, आप अपने बर्थ के बारे में बताएं, आपका कहाँ जन्म हुआ, कैसे आपकी एजुकेशन हुई, थोड़ा सा अपना बेसिक बताएं। मेरा जन्म मैम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और मेरी एजुकेशन काफी अच्छी रही। मेरे पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बेटियां हैं तो मुझे इन्हें पढ़ाना नहीं है, बस शादी करो और बात खत्म। लेकिन उन्हें हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। इवन मैं जो मेरी सिस्टर है वो और मैं भी दो चारों के चारों हम बहुत ज्यादा मतलब अच्छे खासे एजुकेटेड हैं। मैं MBA हूँ, मेरी जो सिस्टर हैं वो BSc फिजिक्स हैं, उससे छोटी सिस्टर वो BTech हैं, इंजीनियर हैं वो, उससे छोटी सिस्टर भी मतलब B Pharma कर चुकी हैं, वो भी मेडिकल लाइन में जा रही हैं, भाई एजुकेशन कर रहा है अभी। तो मैम आपने क्या एजुकेशन ली है? मैम MBA हूँ मैम, MBA इन HR। अच्छा MBA इन HR, तो मैम पहले MBA इन HR थे। फिर मैम इतना टाइम तक आप हाउसवाइफ क्यों रही, मतलब आपने अपनी जॉब, आपकी शादी हुई, शादी कहाँ पर हुई है बेसिकली? मैम शादी मेरी गांव में हुई थी, यूपी में, गांव पड़ता। तो यूपी में गांव है वहाँ पर इनकी शादी हुई। तो मैम अब शादी के बाद फिर आपने अपनी जॉब क्यों नहीं करी या कोई काम क्यों नहीं किया? मैम एक्चुअली होता है ना कि थोड़ी सी थिंकिंग होती है कि बहू काम नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई मैं काम नहीं कर पाई। और कुछ थोड़ी मतलब फैमिली प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि हम बाहर नहीं निकल पाए। तो गांव में कैसा माहौल रहता था आपके? मैम गांव में जैसा सब जगह होता है कि रोटी बनाओ भैंसों का करो, दैट्स इट। अच्छा, रोटी बनाओ भैंसों का करो, ऐसा ही इनका जिंदगी था। तो कितने साल तक आपको फिर आप गांव में ही रहे? मैम मैं 10 साल तक गांव में, 10 साल तक गांव में। yes. गांव में भैंसों का करना और ये इस तरीके का, भैंसों का होता नहीं था पर वैसे काम तो करती थी मैं। हाँ, तो बस इस तरीके का लाइफस्टाइल है जो इन्होंने व्यतीत किया। फिर उसके बाद आप गुड़गांव आ गए, राइट? यस। तो गुड़गांव आने के बाद आपने IBC ज्वाइन किया? यस। ओके ग्रेट। मेरे हस्बैंड ने मुझे IBC ज्वाइन किया, हस्बैंड ने ज्वाइन किया, तो हस्बैंड का पूरा साथ रहा। यस। तो ये हाउस वाइफ है, इनके हस्बैंड है विकास तोमर जी, इनके हस्बैंड है, उन्होंने इनको IBC ज्वाइन करवाया, नेहा मलिक इनका नाम है। तो इनको IBC जब ज्वाइन करवाया आपने, तो स्टार्टिंग में आपका IBC को लेकर बिहेवियर कैसा था, कि मतलब आप अलर्ट थे नहीं थे, कैसे काम करते? मैम IBC को लेकर मेरा ऐसा बिहेवियर था कि जब मैंने ट्रेनिंग में बैठी मैं तो मुझे ये नहीं पता था मैंने IBC ज्वाइन किया है, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी। ट्रेनिंग के टाइम पे जब पता चला कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन चुकी हूँ तो मतलब धीरे धीरे मुझे समझ आया। फिर मैं मुझे मतलब कहीं ना कहीं ये लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं इसी प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली को भी देख सकती हूँ और अच्छा खासा अपने हस्बैंड की हेल्प भी कर सकती हूँ फाइनेंशियली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनको तो पता ही नहीं था IBC क्या है। और फिर उसके बाद जब ये दिन ज्वाइन किया तो इनको लगा यार ये तो मतलब गजब हो गया। तो आप में से तो बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको तो पता होगा IBC है क्या, IBC क्या है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, और आप तो ऑलरेडी जुड़ना चाह रहे होंगे। बट नेहा मलिक मैम हम कॉलिंग करते हैं, लोग इतनी मतलब इतनी इंक्वायरी करते हैं, तो मुझे खुद पर कहीं ना कहीं हंसी आती है कि यार जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे मालूम ही नहीं था IBC होता क्या है, फुल फॉर्म तक याद नहीं थी, बस विवेक बिंद्रा सर को जानती थी, क्या बात, और कुछ नहीं मालूम था मुझे, बस ये पता था विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ रहे हैं, दैट्स इट। तो जिंदगी बदलने वाली है और जिंदगी बदल गई है, आप देख पा रहे हैं इनको कोट पैंट पहन के आज मैम हमारे साथ आई है, वो लेडी जो 10 साल तक भैंस और घर और इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था और आज वो इतना बढ़िया अपना अटेन कर पा रही है। इनका हस्बैंड का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है उसमें, साथ में इनका क्रेडिट जो है वो मतलब कभी भी मिसप्ले मतलब मिस नहीं किया जा सकता, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, संघर्ष किया है। एक हाउसवाइफ मेंटेलिटी से सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी करने में, मेंटेलिटी डेवलप करने में सबसे पहला चैलेंज आपको क्या आता था? मैम कहीं ना मतलब मैं परेशान हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी बात करते हुए, काम करते हुए। तो मैं इसका क्रेडिट आपको देना चाहूंगी क्योंकि मेरे चैनल पार्टनर, मेरी IBC मैनेजर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मुझे इस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने में, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी तो वही थी। इन्होंने मुझे बुक्स बताई और मैंने वो बुक्स प्रेफर की,
तो उनसे मैं अपने को डेवलप कर रही हूँ, पूरा डेवलप मैं नहीं हूँ अभी तक, लेकिन हाँ अपने को धीरे धीरे डेवलप कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप चिंता मत करो, आपने हाथ पकड़ लिया, बस वो हाथ आपको मैम छोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़ लेते हैं मायूसी का हाथ, पर छोड़ते नहीं है। और मैम को एक बहुत बड़े नवरत्ना की तरफ देख रहे हैं हम, जिस तरीके से मैम काम करे। तो इस महीने मैम आपका क्या रेवेन्यू रहा? मैम इस महीने मैंने अभी तक 10 दिन के अंदर मैंने 72,000 का रेवेन्यू किया है। बहुत बढ़िया, 72,000 का रेवेन्यू किया इन्होंने 10 दिन के अंदर। जब एक हाउस वाइफ जो 10 साल तक भैंस और घर का काम करती आई है, वो अगर 72,000 का रेवेन्यू कर सकती है, तो मेरे ख्याल से हर कोई मैम कर सकता है। क्या डेफिनेटली मैम हर कोई कर सकता है, क्योंकि मैं ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ अपने लिए, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। अगर मैं एक हाउस वाइफ होकर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप भी नेहा मलिक मैम की तरह 72,000 पे कमाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुरंत इस दिए गए नंबर पे कॉल करो और पता करो कि आईबीसी है क्या। नेहा मलिक मैम के जैसे आप भी कमाना चाहते हो तो जल्दी से पता करो। नेहा मलिक मैम, आपको जो ये कन्वर्जन आया है, ये कैसे आया है? मतलब कैसे आप क्या करते हो, कहाँ से आपको लीड आती है, कैसे पेमेंट हुई आपकी? मैम मैं डेली अपना डीएमपी और डायलर से मैं अपना वर्क करती हूँ, और मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं पर डे, 20 से 30 के बीच में मुझे कॉल्स आती हैं, उन्हें हैंडल करती हूँ, और उसी से मुझे एक कन्वर्जन आया है। बहुत बढ़िया। सो मैम को, मैम ने डीएमपी डिजिटल मार्केटिंग करी और डायलर का हेल्प लिया, और ओवरऑल मैम को वो रिजल्ट आए हैं जिसके कारण से मैम बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रही है। और तो और मतलब मैम एक अभी मेरे इससे 1.5 घंटे तक हम दोनों ने बातचीत करी, तो जब बातचीत करी तो समझ आया कि ये तो कुछ भी नहीं है, संघर्ष जो मैम ने आपको इंटरव्यू में बताया, बहुत संघर्ष जो मैम ने अपने दम पर अपने आप को स्ट्रगल किया और अपने आप को आज इस काबिल बनाया कि आईबीसी की जर्नी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया होगा मैम डेफिनेटली आपको, जिससे ना आप बहुत ग्रो पाएंगे। यस मैम ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम अपनी पर्सनैलिटी, अपना फ्यूचर सब कुछ सिक्योर कर सकते हैं, और आईबीसी से अच्छा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है। मैम अगर हमें कुछ हाउसवाइफ्स अभी देख रही हो तो उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहे तो? मैं हर हाउसवाइफ के लिए ये बोलना चाहूंगी कि अगर मन में ठान लो ना कि हमें करना है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज वही रोटी और ये करते रह जाओगे। चलो थैंक यू सो मच नेहा मलिक मैम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको नेहा मलिक मैम की बातें समझ आई होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी डिसीजन लेंगे आईबीसी बनने का। Thank you so much.